नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द एग्जाम टॉपर्स। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल द एग्जाम टॉपर्स में। जैसा कि इस नए वीडियो में हम सीटेट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। वे क्वेश्चन जो पिछली बार पूछे गए हैं उन पर बेस्ड क्वेश्चन है, और ये सभी क्वेश्चन आने वाले सीटेट के एग्जाम और विभिन्न राज्यों के टेट एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे चैनल द एग्जाम टॉपर्स को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें और इसे शेयर करें। तो शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। आज का पहला प्रश्न है, विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं, यह कथन किसने दिया है? पहला है गेसेल, सेकंड है हरलॉक, थर्ड है मेरेडिथ, फोर्थ ऑप्शन है डगलस और हॉलैंड ने। तो जैसा कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी हरलॉक। हरलॉक ने बालक के विकास को परिभाषित करते हुए लिखा है कि विकास की प्रक्रिया बालक की गर्भावस्था से उसकी मृत्यु तक एक क्रम में चलती है तथा प्रत्येक अवस्था का प्रभाव दूसरी अवस्था पर पड़ता है। इनके अनुसार विकास के परिणाम स्वरूप व्यक्ति में नई नई विशेषताएं और नई नई योग्यताएं प्रकट होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तियों में एक दूसरे से भिन्नता क्यों होती है? पहला है वातावरण के प्रभाव के कारण, सेकंड है जन्मजात विशेषताओं के कारण, थर्ड है वंशानुक्रम और वातावरण के बीच अन्योन क्रिया के कारण, फोर्थ ऑप्शन है प्रत्येक व्यक्ति को उसके माता पिता के जीनों का भिन्न समुच्चय होने के कारण। जैसे आपको बताना है कि व्यक्तियों में एक दूसरे से भिन्नता क्यों पाई जाती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी वंशानुक्रम और वातावरण के बीच अन्योन्य क्रिया के कारण। व्यक्ति के विकास में वंशानुक्रम तथा वातावरण दोनों की ही महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। व्यक्ति जो कुछ भी सोचता है, करता है अथवा अनुभव करता है, वह उसके वंशानुक्रम और वातावरण के साथ परस्पर अन्योन क्रिया का परिणाम ही होता है। वंशानुक्रम विकसित होने के लिए क्षमताएं प्रदान करता है, जबकि वातावरण इन क्षमताओं को विकसित करने के अवसर प्रदान करता है। इसलिए व्यक्तियों में अपने अपने वंशानुक्रम व वातावरण के अनुसार भिन्नताएं पाई जाती हैं, देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन क्या कहलाता है? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, या जैसा यूपी टेट में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इसके अलावा रीट भी इस क्वेश्चन को पूछता है। काफ़ी सरल सा क्वेश्चन है कि अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन क्या कहलाता है। पहला है स्मृति, सेकंड है सीखना, थर्ड है प्रेरणा और फोर्थ ऑप्शन है चिंतन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी सीखना। जैसे कि अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन सीखना कहलाता है। अगर हम उदाहरण की बात करें तो एक साधारण सा उदाहरण है, यदि किसी बालक के सामने लाल मिर्च रखी है तो वह जिज्ञासा के कारण मुँह में दबाता है और उसे काटते ही उसका मुँह तीखा होने का उसे ज्ञान होता है तो वह रोने लगता है, इसलिए वह लाल मिर्च को फेंक देता है और फिर कभी उसके पास नहीं जाता, क्योंकि उसने अनुभव से यह सीख लिया है कि लाल मिर्च की कड़वी होती है, इससे मुंह जलता है। इस प्रकार सीखना पूर्व अनुभव द्वारा व्यवहार में प्रगतिशील परिवर्तन होता है। एक महत्वपूर्ण परिभाषा है मनोवैज्ञानिक सिंपसन के अनुसार, व्यवहार में कोई भी परिवर्तन जो कि अनुभवों का परिणाम है और जिसके फलस्वरूप व्यक्ति आने वाली परिस्थितियों का भिन्न प्रकार से सामना करता है, वही सीखना या अधिगम कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीखने का प्राथमिक मूलभूत नियम संबंधित हैं। पहला है अभ्यास कार्य से, सेकंड है परिणाम की अपेक्षा से, थर्ड है प्रशंसा से और फोर्थ ऑप्शन है तत्परता से। तो ऐसा कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी तत्परता से। सीखने का प्राथमिक मूलभूत नियम तत्परता से संबंधित होता है। थॉर्नडाइक के अनुसार सीखने के मुख्यतः तीन नियम दिए गए हैं। पहला है तत्परता, सेकेंड है प्रभाव और थर्ड है अभ्यास का नियम। जिसमें तत्परता के नियम का तात्पर्य यह होता है कि यह नियम कार्य करने के पूर्व तत्पर या तैयार किए जाने पर बल देता है। यदि हम किसी कार्य को सीखने के लिए तैयार यह तत्पर होते हैं तो उसे शीघ्र सीख लेते हैं। तत्परता में कार्य करने की इच्छा निहित होती है, अतः ध्यान केंद्रित करने में भी तत्परता सहायता करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौशल सीखने की पहली अवस्था है कौन सी अवस्था है? आपको यह बताना है, पहली यथार्थता, सेकंड कल्पनाशीलता, थर्ड समन्वय, फोर्थ है अनुकरण। तो जैसा कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी अनुकरण। जन्म से ही बालक अपने माता पिता या समाज के अन्य व्यक्तियों के व्यवहार का अवलोकन करता है और बीच बीच में उनमें से कुछ के व्यवहारों का अनुकरण अपने व्यवहार में करने लगता है। इसी प्रकार कौशल या किसी विशेष क्षेत्र में योग्यता हासिल करने की पहली अवस्था भी अनुकरण ही होती है। अनुकरण के माध्यम से वह कई प्रकार के कौशल को सीख लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण एक प्रक्रिया है, शिक्षण किस तरह की प्रक्रिया है यह बताना है। पहला है शिक्षक द्वारा अधिगमकर्ता को ज्ञान के स्थानांतरण की, सेकंड है अधिगम को निर्देशित करने की, थर्ड है अनुदेशन देने की और फोर्थ ऑप्शन है शिक्षण अधिगम का सरलीकरण करने की। तो जैसा कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी शिक्षण अधिगम का सरलीकरण करने की। बालक में सीखने की जन्मजात प्रवृत्ति ही होती है। जैसा कि हम देखते हैं आधुनिक मनोवैज्ञानिक अवधारणा के अनुसार अधिगम की इस प्रक्रिया में शिक्षक, शिक्षण प्रक्रियाएं और समस्त शैक्षिक अवयव सहायक के रूप में होते हैं, जिनका उद्देश्य अधिगम को सरल बनाना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिभाशाली विद्यार्थियों की विशेषता कौन सी है आपको यह बताना है। पहला है स्वभाव के अंतर्मुखी होते हैं, सेकंड है अपनी आवश्यकताओं को दृढ़पूर्वक नहीं कह पाते, थर्ड है अपने निर्णय में आत्मनिर्भर होते हैं और फोर्थ ऑप्शन है शिक्षकों से स्वतंत्र होते हैं। जैसा कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी शिक्षकों से स्वतंत्र होते हैं। प्रतिभाशाली विद्यार्थी हमेशा अधिकतर आपको जो देखने को मिलेगा वह शिक्षकों से स्वतंत्र ही होते हैं।
वे शिक्षकों से सहयोग तो अवश्य प्राप्त करते हैं किंतु उन पर बिल्कुल भी निर्भर नहीं होते हैं। अर्थात आप इसे कह सकते हैं कि वे उनसे गाइडेंस ले लेते हैं, बाकी का पूरा काम वे प्रॉपर स्वयं ही करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिभाशाली शिक्षार्थियों को निम्नलिखित में से किससे जुड़े प्रश्नों पर अधिक समय देने के लिए कहा जाता है? पहला है समझ, सेकेंड है सृजन, थर्ड है विश्लेषण और फोर्थ ऑप्शन है स्मरण। तो जैसा कि क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है, यह सीटेट में कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी सृजन। प्रतिभाशाली शिक्षार्थियों में सृजन की प्रवृत्ति सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है। छात्र जितने अधिक सृजन संबंधी प्रश्न बताएंगे उतनी ही उनकी समझ विकसित होगी, अतः प्रतिभाशाली शिक्षार्थियों को सृजन से जुड़े प्रश्नों पर अधिक समय देने के लिए कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीखने के लिए आकलन निम्नलिखित का ध्यान रखता है सिवाय कौन सी बात को छोड़कर? विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है कि कौन सी कथन को छोड़कर। पहला है विद्यार्थियों की क्षमताएं, सेकंड है विद्यार्थियों की आवश्यकताएं, थर्ड है विद्यार्थियों की त्रुटि और फोर्थ ऑप्शन है विद्यार्थियों की अधिगम शैली। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी विद्यार्थियों की आवश्यकताएं। जैसा कि सीखने के लिए आकलन विद्यार्थियों की आवश्यकताओं को छोड़ बाकी की सभी पर ध्यान देता है। सीखने के लिए आकलन विद्यार्थियों की आवश्यकता का ध्यान नहीं रखता, जबकि सीखने के लिए आकलन विद्यार्थियों की क्षमताओं, उनकी त्रुटियों व अधिगम शैलियों का विशेष रूप से ध्यान रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप इसके लिए चार ऑप्शन आराम से देख सकते हैं। क्वेश्चन यह है कि निम्नलिखित में कौन सी स्थिति बाल केंद्रित कक्ष को प्रदर्शित कर रही है? चार आपको इम्पोर्टेंट कथन दिए गए हैं, चारों में से आपको पढ़ के बताना है कि कौन सी स्थिति बाल केंद्रित कक्ष को प्रदर्शित कर रही है। आपके पास पर्याप्त समय है, आप चारों ऑप्शन को आराम से पढ़ सकते हैं। तो जैसा कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, बाल केंद्रित शिक्षा के अंतर्गत कक्षा कक्ष का वातावरण तथा पाठ्यक्रम स्वरूप बालक के अनुकूल तैयार किया जाता है ताकि बालक सहज व सरल ढंग से सीख सके। एक कक्षा जिसमें शिक्षार्थी समूह में बैठे हैं और शिक्षिका बारी बारी से प्रत्येक समूह में जा रही है, तो इससे पता चलता है कि कक्षा कक्ष बाल केंद्रित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यवेक्षण तथा निरीक्षण तंत्र के प्रमुख कार्य हैं कौन कौन से कार्य हैं? आपको बताना है। पहला है विद्यालय प्रशासन की देखभाल करना, सेकंड है विद्यालय व अभिभावक के मध्य सेतु के रूप में कार्य करना, थर्ड है बालक को परिमर्शन व निर्देशन प्रदान करना और फोर्थ ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो जैसा कि क्वेश्चन काफ़ी सरल है, आप आराम से इसका आंसर लगा सकते हैं। जैसा कि आपको पिछले वीडियोस में भी बताया गया कि अधिकतर जिन क्वेश्चनों में उपयुक्त सभी आपको दिख जाए, उपयुक्त सभी 95% उनका सही आंसर उपयुक्त सभी ही होता है। तो जैसा कि पर्यवेक्षण एवं निरीक्षण तंत्र के प्रमुख कार्य ये सभी होते हैं, तो इसका सही आंसर है उपयुक्त सभी डी ऑप्शन। पर्यवेक्षण एवं निरीक्षण तंत्र के रूप में सामाजिक कार्यकर्ता का स्थान अत्यधिक महत्वपूर्ण होता है। विद्यालय का सामाजिक कार्यकर्ता बालक के परिवार व विद्यालय के मध्य सेतु का कार्य करता है, बालक को परामर्श व निर्देशन भी प्रदान करता है तथा विद्यालय के कार्य व्यवहार की भी देखभाल करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चे किस प्रकार से सीखते हैं? नीचे दिए कथनों में से कौन सा इस प्रश्न के विषय में सही नहीं है? आपको ध्यान रखना है कि कौन सा सही नहीं है, आपको यह बताना है। पहला है बच्चे केवल कक्षा में सीखते हैं, सेकंड है बच्चे तब सीखते हैं जब वे संज्ञानात्मक रूप से तैयार होते हैं, थर्ड है बच्चे अनेक प्रकार से सीखते हैं और फोर्थ ऑप्शन है बच्चे सीखते हैं क्योंकि वे स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं। तो जैसा कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन है बच्चे केवल कक्षा में सीखते हैं, यह कथन बिल्कुल भी सही नहीं है। यह लाइन ध्यान रखना है, बच्चे जिज्ञासु प्रवृत्ति के होते हैं तथा वे हर समय तथा हर परिस्थिति में सीखते हैं एवं उनके सीखने का तरीका अलग अलग हो सकता है, अतः यह कहना गलत है कि बच्चे केवल कक्षा में ही सीखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक उपयुक्त रचनात्मक आकलन कार्य नहीं है? पहला है खुले अंत वाले प्रश्न, सेकंड है परियोजना, थर्ड है अवलोकन, फोर्थ ऑप्शन है विद्यार्थियों का योग्यता क्रम निर्धारित करना। तो जैसा कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी विद्यार्थियों का योग्यता क्रम निर्धारित करना। आकलन का उद्देश्य है कि बच्चों की अभिव्यक्ति क्षमता अनुभूति का मापन करना। इसके लिए बच्चों से कई प्रकार के कार्य करवाए जाते हैं, जैसे कि खुले अंत वाले प्रश्न लिखना, परियोजना कार्य करवाना, अवलोकन करवाना। इन सब के माध्यम से बच्चों की अभिव्यक्ति क्षमता अनुभूति का मापन किया जाता है, किंतु विद्यार्थियों का योग्यता क्रम निर्धारित करने के लिए कई विद्यार्थियों द्वारा किए गए कार्यों का आकलन कर उनके बीच तुलना करना होता है, जो कि रचनात्मक कार्य के अंतर्गत नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चार ऑप्शन में से बताना है कि किसके अतिरिक्त निम्नलिखित समस्या समाधान के प्रक्रिया के चरण हैं? समस्या समाधान प्रक्रिया के चरण है, आपको यह बताना है कि इनमें से कौन से के अतिरिक्त। परिणाम की आशा करना, सेकंड है समस्या की पहचान, थर्ड है समस्या का छोटे हिस्सों में बांटना और फोर्थ ऑप्शन है संभावित युक्तियों की खोज करना। तो जैसा कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए परिणामों की आशा करना। समस्या समाधान की प्रक्रिया के निम्न चरण होते हैं, अब कौन कौन से हैं? पहला है समस्या की पहचान करना, तत्पश्चात समस्या का कारण पता लगाया जाता है, इसके पश्चात समस्या से संबंधित तथ्यों सूचना का एकत्र किया जाता है, फिर इसके बाद समस्या का हल अर्थात विश्लेषण व निष्कर्ष की खोज की जाती है एवं अंत में समस्या का हल व समाधान निकालने का प्रयोग किया जाता है। आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक आधारभूत सहायता का उदाहरण है?
पहला है अनुबोधन और संकेत देना तथा नाजुक स्थितियों पर प्रश्न पूछना। सेकंड है शिक्षार्थियों को प्रेरित करने वाले भाषण देना। थर्ड है प्रश्न पूछने को बढ़ावा दिए बिना स्पष्टीकरण देना। और फोर्थ ऑप्शन है मूर्त और अमूर्त दोनों प्रकार के उपहार देना। तो जैसा कि क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, अनुबोधन और संकेत देना तथा नाजुक स्थितियों पर प्रश्न पूछकर छात्रों से कठिनाइयों का समाधान करना आधारभूत सहायता का उदाहरण है, जो आदर्श शिक्षण के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। तो दोस्तों ये थे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जिनके बारे में हमने डिस्कस की। तो ये सभी क्वेश्चन रीट मध्य प्रदेश संविदा वर्ग 3 केंद्रीय विद्यालय नवोदय विद्यालय आर्मी पब्लिक स्कूल के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम आगे आने वाले वीडियो में भी डिस्कस करेंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कर शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।